हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहली बातें पर। मैं हूं आरडी और मेरे साथ है एजे, और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म जो रिलीज हो चुकी है पर्दे पर, जिसका था बहुत समय से इंतजार। मूवी का नाम है थैंक गॉड। उम्मीद है कि आपने अगर नहीं देखी होगी तो ये वीडियो आप देखकर जरूर पसंद करने वाले हैं, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर भैया पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो शुरू करते बात बात। चलो दोस्तों, बात करते हैं थैंक गॉड मूवी की। थैंक गॉड मूवी जैसे ही हम लोगों ने देखा, हमें एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी लगी। हाँ, फैमिली एंटरटेनमेंट तो है, मतलब फैमिली के साथ आप जाकर देख सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, हंस भी सकते हो, मुस्कुरा भी सकते हो, वासना भी ले सकते हो, वास भी ले सकते हो, काम भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत जज्बाती हो रहे हो दोस्त। नोरा फतेही देख के जज्बाती हो गया लौंडा। नोरा, बहुत दिक्कत हो रहा है। किस बात का? अरे यार, नोरा का बहुत सीन काट दिया यार, ऐसा लग रहा दिखाया ही नहीं उसको। इतने पैसे में भैया इतना ही मिलेगा? हाँ यार, वो भी है, क्या दिल है, क्या दिल है। वाह, कहां कहां पे नजर है और कहां कहां पे निशाना। इस निशाने से शुरू करते हैं भैया आगे की बात। बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। स्टोरी शुरू होती है इंसानों की आपसी प्रवृत्ति को लेकर, जो हमारी एक सोच बनी हुई है कि एक ही जिंदगी है, जी लेते हैं भैया, मरने के बाद किसने स्वर्ग और नर्क देखा है। इसमें दिखाया है, दोनों भी चीजें दिखाई है। हाँ? तो भैया मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो मरने के बाद भी होता होगा। अगर स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ होता है तो भैया यमराज और चित्रगुप्त भी होंगे, और अगर चित्रगुप्त होंगे तो भैया वो आपके साथ खेलेंगे गेम ऑफ लाइफ। अच्छा, वो है क्या? तो वो वाला क्या था जो नीचे जाके खेलते? वो अमिताभ बच्चन जी जब ऊपर गए थे वापस आ गए थे उसके बाद। ये यार अमिताभ बच्चन का भी घुसा दिया यार, कूली वाला। हाँ वैसे ये अच्छा खासा मूवी में थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक प्लॉट जिसमें एक इंसान के मरने के बाद जो उसके साथ गेम खेलता है चित्रगुप्त, उसके पुण्य और पाप के घड़े को भरने के लिए, जिसके आधार बनते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। इस मूवी से आपको सीखने को मिलता है कि अपने इंसानी जीवन में इंसान बनकर इंसानियत को लाभ पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। एक इंसान जिसे लगता है कि भैया जिंदगी एक बार मिली है, जी लो, चाहे गलत ही काम क्यों ना करना पड़े। इसी चीज को दर्शाने के लिए कि जीवन में गलत और सही में क्या अंतर है, इस मूवी को बनाया गया है, जो सामाजिक धारणा को पूरी तरह बदलता हुआ नजर आता है। माँ बाप जो बचपन से ही शिक्षा देते हुए नजर आते हैं, आज बड़ेपन में ये थैंक गॉड मूवी देता हुआ नजर आता है। जहां पर कॉमेडी की अगर बात करूं तो बहुत सारा किया गया है, कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर निर्धारित होगा कि आप मुस्कुराएंगे या सर पे हाथ लगाकर बैठ जाएंगे। बात करें अजय देवगन की तो वो चित्रगुप्त के रूप में नजर आएंगे, जो कि करने वाले हैं पाप और पुण्य का हिसाब। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, उस इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, और उनकी एक खूबसूरत सी वाइफ भी है जिसका नाम है रकुल प्रीत सिंह। एक बच्ची भी है उनकी प्यारी सी, जिसको दिखाया गया है कि किस तरीके से वो माँ बाप से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। इन स्टोरी को घूमते घूमते जो ये पाप और पुण्य का घड़ा भरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी के बीच एक वाकिया घटता है जिसकी वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंच जाते हैं चित्रगुप्त के पास, और फिर शुरू होता है गेम ऑफ लाइफ, जिसमें पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसी पाप और पुण्य के हिसाब को दिखाया गया है इस मूवी में। वहीं एक मां के त्याग को भी, एक बेटे के प्रति प्रेम को भी दर्शाया गया है। एक बहन और भाई के रिश्ते को दिखाया गया है कि किस तरह एक भाई के झूठ की वजह से बहन पूरी जिंदगी गिल्ट में जीती है। इन सारी चीजों का मिश्रण है ये थैंक गॉड। हालांकि इससे सीखने को भी बहुत कुछ है, हालांकि डिपेंड करता है कि हमारी टेस्ट कैसी है। अगर आपकी टेस्ट सामाजिक मुद्दों पर देखने की है तो यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बात करें डायरेक्शन जो इंद्र कुमार जी ने की है, बेहतरीन की है। कहीं पर मूवी थोड़ा अप एंड डाउन होता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग को देखकर आपको लगेगा कि काश मैं होता, मैं इससे बेहतर एक्टिंग कर पाता। मैं बात करूं रकुल प्रीत की, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। अजय देवगन इस पूरी मूवी में जान भरते हुए नजर आएंगे। नोरा फतेही का तड़का
आपको ये मूवी में कुछ पल के लिए ही सही लेकिन लस्ट का शिकार होने का मजबूर कर देगा। इन सारी चीजों को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो जाइए आपके नजदीकी थिएटर में और देखिए थैंक गॉड। इसके बाद आपका एक्सप्रेशन बताएगा थैंक गॉड या थैंक गॉड, ये आप निर्धारित करेंगे। आप कुछ नहीं कहेंगे भाई? मैं मूवी को देख के स्तब्ध हो चुका हूं कि मुझे शब्द ही नहीं सूझ रहे। ऐसी भी हालत हो सकती है आपको देखकर जब आप सिनेमा घरों में जाकर देखेंगे थैंक गॉड। हालांकि आप इसे देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल के लिए तो कर सकते हो प्रमोशन। हाँ हाँ, लाइक करें, हाँ कमेंट करें, हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि उसके आगे के वीडियो के आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शाबाश। बाय बाय।